Hello. Hope you are doing wonderful in your life. If not, then I really wish that you do great in your life. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप स्टूडेंट हैं, स्पेसिफिकली कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सेल्स पर्सन हैं, बिजनेस पर्सन हैं, हाउस मेकर हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं. हालांकि ऐसी कोई भी स्टेट नहीं होती इंसान की, मीन्स ऐसी कोई भी अवस्था नहीं होती जिसमें वो कुछ भी ना कर रहा होता है. ये सिर्फ एक मेंटल स्टेट होता है. सो ये आपको जरूर आपकी रूटीन लाइफ में जरूर हेल्प करेगा समझने के लिए. सो स्टे ट्यून विद मी. तो आज का टॉपिक है ब्रांड, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड इमोशंस. इन सब में इमोशन कैसे कनेक्टेड है और कैसे हमको इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग में और हम किस तरह से एक्ट करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. ब्रांड एंड ब्रांडिंग, आपने देखा कि जब यहाँ पे हमने मूव किया था स्क्रीन पे तो बहुत सारे बल्ब ऑन थे बट लास्ट में सिर्फ एक बल्ब ऑन रह गया. सो ब्रांड भी इसी तरह से है कि आप अपने आप को पूरी जो भी आपकी कॉम्पिटिटर हैं, सराउंडिंग हैं, उनमें यूनिक अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. आप में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो आपको दूसरों से यूनिक बनाती हैं. दुनिया में अरबों की आबादी है बट उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो कि बहुत नेम और फेम कमाते हैं, बाकी उनको फॉलो करते हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको बाकी से डिफरेंट बनाती हैं. सो वो ब्रांड है. इसी तरह से ये चीज अप्लाई करता है. बाकी जो आप शोरूम्स पे जाते हैं बोलते हैं ये ब्रांड वो ब्रांड, तो ये बिजनेस में भी इसी तरह से अप्लाई करता है. ब्रांडिंग होता है उसी ब्रांड के बारे में बात करना. तो let's talk about in detail. देखिए जो ब्रांड होता है वो हमारी इमेज से हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो जो एक इमेज क्रिएट होती है उसी से बनना शुरू होती है हमारी ब्रांड और उसी से हमारी ब्रांड डिफाइन भी होती है. सो ये एक डायनामिक जर्नी है जो कि स्टार्ट होती है जब आप इस दुनिया में बर्थ लेते हैं, मीन्स जब आप दुनिया में जन्म लेते हैं तब से ही स्टार्ट हो जाता है कि ये ऐसा बनेगा, ये वैसा बनेगा, ये ऐसा है या ये वैसी है, बहुत सारी चीजें. और टाइम के साथ साथ इमेजेस बनती हैं, टूटती हैं और एक टाइम आता है जब एक आपका इमेज जो है वो ब्रांड में कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि इसी जब तक लोग आपके बारे में बात करते रहते हैं आप अपने बारे में सोचते रहते हैं मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये ऐसी है, वैसी है, कैसी है, तो तब तक वो इमेज है. बट जब आप एक पर्टिकुलर कोई भी स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए, नीड्स फुलफिल करने के लिए, रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जब सोशली कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो वो इमेज को आप अनकैश कर रहे हैं और वो बन जाता है ब्रांड. और उसमें आप दूसरों से कैसे डिफरेंट हैं वो आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए. सो अब बात करते हैं इसी चीज को और डिटेल में थोड़ा टाइम में पीछे जाके, जहां पे मनी सिस्टम नहीं होता था, लेन देन तब भी होता था, बार्टर सिस्टम अगर आपने सुना है, जहां पे मनी ट्रांजेक्शंस नहीं होती थी. चीजों को लेने देने के लिए एक आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल है वो दूसरे को देते थे और उससे वो लेते थे जो आपके पास नहीं है. या फिर सिर्फ ये चीजें नहीं होती, इसमें सर्विसेज भी होती थी. जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक इंसान कुछ पर्टिकुलर सामान दे रहा है और दूसरा उससे सामान ले रहा है और वो सामान का ही एक्सचेंज कर रहा है. देयर इज नो मनी ट्रांजेक्शन. मनी ट्रांजेक्शन नहीं थी बट फिर भी ब्रांडिंग थी एंड दैट्स वेयर इट कम्स पर्सनल ब्रांड. जहाँ पे हम, अगर जैसे मैंने पहले बताया था कि आप इंडिविजुअल हैं, हाउस मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिजनेस पर्सन है, बट स्टिल यू आर अ ब्रांड, राइट. पहले जैसे अगर आप कुछ सर्विसेज देते थे, आपके पास कुछ सामान नहीं है और सर्विसेज देते थे, तो आपको उसके एक्सचेंज में जो भी आपको गुड्स चाहिए होती थी वो आप ले लेते थे. तो दिस इज हाउ द पर्सनल ब्रांड मैटर्स इवन इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल. और थोड़ा और डिटेल में बात करें तो बार्टर सिस्टम में ये मैटर नहीं करता था कि आप चीजें क्या लेन देन कर रहे हैं, वहां पे क्या करता था उनका उनका वेट करके मीन्स जो था गुड्स का एक्सचेंज करते थे, तो वहां पे ब्रांडिंग और ब्रांड कहाँ पे आ गई। सो वहां पे आप कितने कमिटेड हैं, कितने ऑनेस्टली आप अपने कमिटमेंट को निभाते हैं, अपनी क्वालिटीज को कितना किस लेवल पे रखते हैं, ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों से कैसे डील करते हैं जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है। और डेफिनेटली लोग उसके पास जाना प्रेफर करेंगे जो अपने कमिटमेंट को, अपनी क्वालिटी को, लोगों से जैसे डील करता है उसको अच्छे से उसमें अच्छे से डील करता है। तो ब्रांडिंग, बहुत से लोग होते हैं जो ब्रांड और ब्रांडिंग को एक जैसे लेते हैं, बट आपने आम जिंदगी में सुना होगा कि ये ब्रांडिंग करने जा रहा है क्या, तो उसका मतलब है कि आप अपनी ब्रांड के बारे में कम्युनिकेट करने जा रहे हैं क्या, मीन्स आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी ब्रांड के बारे में। वो हो सकता है आप अपने बारे में बात करें, आपका बिजनेस है तो उसके बारे में है, सेल्स पर्सन है तो जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसके बारे में है, स्टूडेंट है तो आप अपने नॉलेज हो सकती है या फिर अपने खुद के बारे में हो सकता है, हाउस मेकर हैं तो अकॉर्डिंगली आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे पर्सनल ब्रांड में आता है। कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेट करना सिर्फ ऑरली बोलना नहीं होता या सिर्फ लिख के नहीं होता, ये साइन लैंग्वेज भी हो सकती है, ये एक हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हो सकती है, और कई बार हम कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं। कहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी ब्रांड के बारे में, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा सेगमेंट क्या है, हमारा टारगेट ऑडियंस कहाँ है, और जहाँ हम अपनी ब्रांड के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो सेगमेंट या वो टारगेट ऑडियंस वहां पे है भी या नहीं है। कब कम्युनिकेट करना चाहिए, राइट, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सारे फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ब्रांड को बनाने में और उसको स्पॉइल करने में। फिर बात करते हैं मार्केटिंग। इट्स ब्रॉड टर्म, बहुत बड़ा है, बट आम जिंदगी में अगर आपने सुना होगा लोग बोलते हैं चलो मार्केटिंग करके आते हैं, मींस शॉपिंग को लोग बोलते हैं मार्केटिंग करके आते हैं, बट वहां पे भी मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग स्टार्ट होती कहाँ से है, मार्केट रिसर्च से। मीन्स अगर आप बिजनेस पर्सन है या सेल्स पर्सन है तो आप वहां पे पहले चेक करते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है जो आप मार्केट में लेके आने वाले हैं या ऑलरेडी है उसको एक्सपेंड करने वाले हैं, तो उसकी डिमांड कैसी होगी, लोगों में उसका लोग उसको किस तरह से लेंगे, वो चलेगा या नहीं चलेगा, हमें कोई मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, लोगों का किस तरह का नजरिया होगा उस चीज के लिए और उसमें किस तरह से हमें अवेयरनेस करनी पड़ेगी। तो ये सारी और ये सारी जो चीजें होती हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस होता है। सेम जब आप अगर हाउस मेकर हैं, घर के लिए जब शॉपिंग करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल सब्जियां फ्रूट लेने जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि वहां पे जो सेलर्स हैं उनके पास क्या क्या सब्जियां हैं, क्या क्या है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे ये चाहिए तो उसमें भी आप देखेंगे कि वहां पे अच्छी क्वालिटी में कौन सा मिल रहा है। फिर आप प्राइस का भी देखेंगे कि प्राइस किसके पास अच्छा है या सबके पास सेम ही है। फिर आप देखेंगे किसी शॉपकीपर से हो सकता है आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही तो आप उसके पास नहीं जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि आपको एज अ इंडिविजुअल इफेक्ट करते हैं और ये भी एक तरह की मार्केटिंग होती है। फिर होता है जो इसमें सबसे लास्ट स्टेप होता है मार्केटिंग का, और जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि जो एंड यूजर है, हु इज द एंड यूजर। एंड यूजर जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसको कंज्यूम करने वाला है फाइनली, वो होता है एंड यूजर। तो उसको सेटिस्फेक्शन मिले, मेन मोटिव होता है यही। और उसके लिए जब आप प्रोडक्ट की सेलिंग कर देते हैं तो उसके बाद भी आप मार्केट रिसर्च करते हैं उनका रिव्यू पता करने के लिए। बहुत आजकल बहुत कॉमन है फीडबैक देना, रेटिंग देना, ये सारी चीजें आती हैं हमारी मार्केट रिसर्च पोस्ट सेल में। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जो मार्केटिंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक साइकिल है जो कि स्टार्ट होती है मार्केट रिसर्च से, अगेन एंड होती है मार्केट रिसर्च पे ही। और इसमें जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है ग्रोथ। अब करते हैं कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग, यहाँ पे ये सब इंटरकनेक्टेड कैसे है और यहाँ पे इमोशंस कैसे वर्क करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केटिंग में तो एक क्लियर गोल और विजन होना बहुत जरूरी है कि आपका गोल क्या है, मेन मोटिव क्या है। हो सकता है अगर आप बिजनेस पर्सन है तो प्रॉफिट अर्न करना होगा, ठीक है, उसमें भी वैल्यू ऐड करना कि आप सोसाइटी में क्या वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है तो क्या ऐसा मेन मोटिव है जो आपको ड्राइव कर रहा है कि आप विदाउट प्रॉफिट भी कुछ इम्पैक्ट लेके आना चाह रहे हैं। स्टूडेंट हैं तो आपका डेफिनेटली एक गोल होगा वहां पे कि मुझे ये पोजीशन है, इसको अटेन करना है और इसलिए मुझे यहाँ तक जाना है, राइट। तो सबका कोई ना कोई गोल या विजन होना बहुत जरूरी है। फिर होते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके पास नहीं है तो ना तो मार्केटिंग हो सकती है, ना ब्रांड हो सकते हैं, ना ब्रांडिंग हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेके बहुत क्लियर रहें। टारगेट ऑडियंस, अब ये टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट ऑडियंस होता है कि जहां पे आप बिजनेस करने जा रहे हैं या एज अ सेल्स पर्सन वहां पे आप जा रहे हैं तो वहां पे कौन सा ऐसा सेगमेंट है। हो सकता है एज ग्रुप वाइज, हो सकता है जेंडर वाइज, हो सकता है पॉपुलेशन वाइज, हो सकता है एरिया वाइज, जहां जिसको आपको कवर करना है, जहां पे अपने आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना है। तो वो होता है आपके लिए टारगेट ऑडियंस। प्री सेल मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस मीन्स आपने अपना गोल क्लियर कर लिया है कि मुझे ये गोल अटेन करना ही है और उसके बाद प्रोडक्ट भी क्लियर है, सर्विसेज भी क्लियर हैं, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी। उसके बाद आप वहां पे एनालिसिस करते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिस तरह से सेल करने के लिए सोचा है, प्लान किया है, तो उसमें मार्केट में डिमांड कैसी रहेगी, लोगों का टेस्ट कैसा रहेगा, वहां पे लोगों का रिस्पांस क्या है, उसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई इम्प्रूवमेंट करना है। और कितने उसका जो भी आपका एनालिसिस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट्स क्या रहेंगे कॉस्ट वाइज, तो ये सारा आप एनालिसिस करते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटजी वहां पे काम करेगी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई है या फिर लॉन्च, प्रोडक्ट लॉन्च करने की स्ट्रेटजीज हो गई हैं, वहां पे आप कौन सी साइकोलॉजिकल अप्रोचेस आप यूज करने वाले हो। तो ये सारी चीजों का वहां पे प्रॉपर रिसर्च होता है, एनालिसिस होता है। और उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जरूरी है क्योंकि ये अवेयरनेस होता है, बट आजकल अगर आप देखो तो ये कुछ डिफरेंट लेवल पे ही चला गया है एंड कंपटीशन इतना हाई हो गया है, लोग किसी भी हद तक जाते हैं। हालांकि एडवर्टाइजमेंट का मतलब सिर्फ होता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए अवेयरनेस पैदा करना ताकि लोगों में डिमांड क्रिएट हो और लोगों को पता लगे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, सो दैट वो उसको खरीद पाए और आप उसको सेल कर पाए। सेलिंग बहुत जरूरी है कि जब आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्लियर रखें कि आप अपना प्रोडक्ट कब लॉन्च करने वाले हैं। अगर लॉन्च हो गया है तो इंश्योर कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वहां पे अवेलेबल हो और सेलिंग हो। एल्स अगर आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है सेलिंग के लिए तो जो एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। फिर आता है पोस्ट सेल सर्विसेज, रिटर्न करना चीजें, वारंटी पीरियड, गारंटी और एक्सचेंज सर्विसेज, ये सब आता है हमारा पोस्ट सेल सर्विसेज में। अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने के बाद आप सेटिस्फाई नहीं है, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसको फिर से जो भी आपकी कंज्यूमर है उनको हेल्प करना, तो ये पोस्ट सेल सर्विसेज है। और ये इम्पैक्टफुल क्यों है? ताकि आप अपने एंड यूजर का सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज कर पाए और वो आपका एक आपका कॉन्टिन्यूसली वो आप उसकी सर्विसेज यू नो एक गुडविल जो बनता है कि वो भी खरीदे और वर्ड ऑफ माउथ से दूसरे भी लोग खरीदे। और उसके बाद फिर से शुरू होता है पोस्ट सेल मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, जो हमने बात की थी कि वहां पे हम फिर से रिव्यू लेते हैं कस्टमर्स का, देखने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोगों को कितना पसंद आ रहा है और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो क्या चेंजेस हैं। अब यहाँ पे ब्रांड कहाँ पे आता है? हमारा ब्रांड आता है जब हमारे माइंड में गोल आ जाता है, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जब इमेज से बाहर निकल के आप एक स्टेप आगे लेते हैं एक पर्टिकुलर गोल को अटेन करने के लिए, तो ये है ब्रांड। तो ये पूरा जो भी अभी हमने डिस्कस किया वो सब ब्रांड में ही कवर होता है और एक ब्रांड को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग हमारा जहाँ पे कम्युनिकेशन की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है वहां से हमारी ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से आ गए? मतलब ये तो पूरा बिजनेस है, अब मेरी पर्सनल लाइफ में कैसे इसका यू नो इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब मुझे तो कहीं कोई रोल नहीं दिखा, राइट? बट वेट, जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो इसमें अप्रोचेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं जो कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए होती हैं। अब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे कैसे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो हमारे इमोशन से कनेक्टेड ही होती है, राइट? तो इसमें अगर बात करें इवेंट और कॉज बेस्ड जो कि स्पेसिफिकली होती है, अगर आप आपने देखा होगा आपके यहाँ पे कि आज इसकी एनिवर्सरी पे हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर आज इसकी पर्टिकुलर ये स्पेशल डे है इस पे हम स्पेशल ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये होता है इवेंट और कॉस्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट अप्रोच, जहां पे हम लोगों को एक सॉफ्ट कॉर्नर देके अट्रैक्ट कर रहे हैं कि सी दिस इज द स्पेशल ओकेजन एंड दैट्स व्हाई या तो हमारा प्रोडक्ट लॉन्चिंग है आज या फिर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है। फिर होता है इमोशंस लाइक फियर, एंगर, गिल्ट, केयर, ये सब शो करके एडवर्टाइजमेंट में और लोगों में वो इमोशंस को हिट करना। आजकल बहुत सारी जो एड्स हैं वो चलती हैं ज्योतिष की, आपने देखी होगी कि मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा, मेरा शादी में प्रॉब्लम है, मेरे इस काम में प्रॉब्लम है, तो इस ज्योतिष से कांटेक्ट करें या इस ऐप को डाउनलोड करें। फिर अगर आप स्मोकिंग का देखें, हेल्थ केयर का देखें, तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, इंश्योरेंस का देखें, जहां पे इमोशंस वाली जो अप्रोच है एडवर्टाइजमेंट की वो सबसे ज्यादा वर्क करती है, क्योंकि वहां पे जब आप लोगों को उनका लाइव सिनेरियो डिस्कस करते हैं, उनके सामने उसको विजुअलाइज करते हैं या उनको सुनाते हैं, तो वो डायरेक्ट उनके इमोशंस को हिट करता है और वो रिलेट कर पाते हैं और वो इसलिए रेडी हो जाते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। फिर होता है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी होता है कि डायरेक्ट ये ना बोल के कि आप ये काम करो, ये बोला जाता है आप तो ये काम करेंगे नहीं, आप क्यों करेंगे ये काम, इस तरह से होता है। जैसे अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल कुछ खाने के लिए अगर बोला जाए और डायरेक्ट वो आप नहीं खाना प्रेफर कर रहे हैं, या फिर किसी से फाइट करने के लिए बोला जाए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसमें आप डायरेक्ट अप्रोच ना करके कि आप ये करो, आप उसको पोक करते हैं, उसको नेगेटिवली बोल के कि तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम तो ऐसा करोगे ही नहीं। तो ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी जो कि बहुत ट्रेंडी है। इन्फ्लुएंस बेस्ड अप्रोच टू अट्रैक्ट पर्टिकुलर सेगमेंट। आपने बच्चों की एड देखी होंगी चॉकलेट्स वगैरह की, या फिर बहुत ट्रेंडी कुछ चीजें आती हैं और उनको बच्चों को दिखाया जाता है कि वो किस तरह से वो चीज उनको चाहिए होती है। फिर जब बच्चा वो एड देखता है तो वो मम्मी पापा से जिद करता है। तो ये जो होता है ये इन्फ्लुएंस करने के लिए है। दूसरा, आपने एड देखी होंगी जहाँ पे स्पेशली मेकअप वगैरह में दिखाते हैं कि लड़की पहले ऐसी थी और फिर उसने ये सब यूज किया और फिर वो ऐसी हो गई। तो ये सब क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए एड बनाई जाती है। सेम मेल्स के लिए भी काफी ऐसी एड है, ग्रूमिंग की एड है, स्ट्रॉन्ग बन के दिखाने की एड और बहुत सारी एड, तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट को इन्फ्लुएंस करने की इमोशनल अप्रोच यूज होती है। फिर होता है अपील। कोई भी सोशल अपील की जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये जो नदियां हैं उनको साफ करने की अपील थी, पीछे रेप केसेस हुए थे तो वहां पे अपील, सोशल अपील हुई थी कि वो उसके अगेंस्ट आगे आए और दिखाएं कि ये गलत हो रहा है और इसके अगेंस्ट चीजें ठीक होनी चाहिए। नॉट ओनली द रेप केसेस बट बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं जहाँ पे लोग आगे बढ़ के अपील करते हैं। डोनेशन के लिए बहुत चलता है, जो एनजीओज हैं वो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह फ्लोट होती रहती हैं कि ये बीमार है आप इसको डोनेट कीजिए, तो वो एक सोशल अपील करते हैं हेल्प के लिए। डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, वो सीधा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उसको दिखाते हैं, अवेयरनेस पैदा करते हैं लोगों में और लोग खुद से जब उनसे रिलेट करते हैं खुद को तो वो उसको परचेज करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी स्पेसिफिक जो इमोशनल अप्रोच है वो यूज नहीं की जाती है, बट यस यहाँ पे अपने वो बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज शो करते हैं ताकि वो लोगों के माइंड में एक वो इमेज क्रिएट कर पाए। एंड स्टैटिस्टिक्स बेस्ड अप्रोच, इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा जो बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं या फिर आप खुद भी अपने बारे में जिक्र करते हैं कि हमारे तो फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग है या फिर हमारे साथ तो इतने लोग जुड़े हुए हैं, या जैसे रिव्यूज के लिए दिखाते हैं कि हमारे पास तो लाखों लोगों ने इतनी रेटिंग दी। तो ये सारे जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाता है वहां पे अपनी स्ट्रेंथ शो करके लोगों को दिखाया जाता है कि हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए आपको या हमारे से प्रोडक्ट और सर्विसेज क्यों लेना चाहिए। सो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि जितना भी बिजनेस है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें आप मार्केटिंग बोले, ब्रांड बोले, ब्रांडिंग बोले, इमोशंस का गेम है सारा, तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है और दिस इज हाउ इमोशंस, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड। इमोशंस, अब यहाँ पे मेन इमोशंस क्या काम करते हैं, इंटेंशन, जो आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए हेल्प करते हैं। आपकी इंटेंशन जितनी क्लियर होगी उतना क्लियर आपका बिलीफ रहेगा, मीन स्ट्रॉन्ग इंटेंशन स्ट्रॉन्ग बिलीफ, या फिर ये बोले कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है आपकी इंटेंशन उतनी क्लियर रहेगी, दोनों इंटररिलेटेड हैं। फिर आता है कमिटमेंट, आप कितने कितने अच्छे से अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है या फिर आप अगर किसी रिलेशंस में भी हैं और वहां पे कुछ बोल देते हैं पर वो करते नहीं है, तो धीरे धीरे आप वहां से जो आपका एक एक जगह है वहां पे या आपकी जो इमेज है वो नेगेटिव बननी शुरू हो जाती है और लोग धीरे धीरे आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से बिजनेस में एक माइंडसेट बनना स्टार्ट हो जाता है कि जो आप कहते हैं वो करते नहीं है, तो लोग आपसे डील करना प्रेफर नहीं करते। फिर है ट्रस्ट, बिजनेस है या फिर स्टडी है या फिर आप अगर घर में भी हैं, सब कुछ ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन से ही चलता है। रिलेशन अगर बात करूं तो सिर्फ मैं भाई, मम्मी, पापा, भाभी, ये सब रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप कस्टमर और एक सेल्स पर्सन है या फिर बिजनेस पर्सन है और सोसाइटी में भी, इन सब में भी एक रिलेशन होता है, राइट? और वो एक ट्रस्ट जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा आप एज अ ब्रांड स्ट्रॉन्गली खड़े रहेंगे और सस्टेन करेंगे। फिर होता है फियर्स, आपकी फियर्स आपको एज अ ब्रांड, एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ सेल्स पर्सन, या आप कुछ भी हैं एज अ इंडिविजुअल, बहुत इम्पैक्ट करते हैं। ज्यादा फियर्स मीन्स आप रिस्क कम ले सकते हैं, मीन्स ग्रोथ का जो जो दायरा है वो कम होता चला जाता है। बट अगर आप फियरलेस है, जितना फियरलेस हैं उतना रिस्क टेकर आप ज्यादा हैं। अगर इमोशंस को मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाऊं कि वो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में कैसे कनेक्टेड है, तो अगर आप बात करें एक साइकिल, राइट, तो साइकिल में अगर एक व्हील ब्रांड है तो दूसरा व्हील मार्केटिंग है, और इसमें जितनी भी वायर्स हैं और जो ये स्ट्रक्चर है जो इन दोनों को जोड़ता है वो इमोशंस हैं, राइट। और अगर आपको हम बोले एरोप्लेन में अगर हम बोले स्ट्रक्चर जो है वो हमारा ब्रांड और मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, तो जो इसका इंजन है और इसके पूरे स्ट्रक्चर में जितनी इसकी इंजन की वायर्स हैं वो सब इमोशंस हैं जो कि एरोप्लेन को स्ट्रक्चर से एक्चुअल में एरोप्लेन बनाता है। बात करें कार की तो अगेन जो स्ट्रक्चर है वो आपका ब्रांड, मार्केटिंग, ब्रांडिंग हो गया, बट इसके जो व्हील है और इंजन है और इससे जो जुड़ी हुई सारी तारें हैं वो आपके इमोशंस हैं। अब बात करते हैं आपको एज अ ब्रांड सबसे ज्यादा क्या इम्पैक्ट करता है। इमोशंस डेफिनेटली हमने बात की, बट उसमें भी आप अपने इमोशंस को किस अप्रोच से लेके जाते हैं वो आपको एज अ ब्रांड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। वैसे अगर आप थ्योरेटिकल जाएंगे तो बहुत सारी अप्रोचेस होंगी, पता नहीं क्या क्या होंगी, बट मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ दो अप्रोच होती हैं। एक हंटिंग मीन्स आपको कैसे भी करके अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है सेल करनी ही है, जहां पे आप बहुत अतिशोक्ति अलंकार, जैसे बताते हैं ना, ड्यू की एड आपने देखी होगी, डर के आगे जीते हैं, मतलब वो ड्यू पीता है और पहाड़ से कूद जाता है, दैट इज अतिशोक्ति अलंकार। ड्यू पीने से फियर फेस नहीं कर सकते आप, आई एम सॉरी, आप ये पर्टिकुलर मेरा मोटिव नहीं है किसी ब्रांड के बारे में बोलने के लिए, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो मीन्स क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रियलिटी से अलग जाके किसी भी तरह, किसी भी हद तक जाके और आप उसकी हंटिंग करते हैं। हंटिंग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, उससे आप एक बार सेल कर सकते हैं या फिर एक बार लोगों के साथ डील करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम लोगों को आपके बारे में पता लगेगा और वो आपसे खुद से ही दूरी बना लेंगे। दूसरा है सीडिंग। अभी सीडिंग क्या है? मीन्स आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनके साथ एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन क्रिएट करते हैं, दैट इज सीडिंग। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं बेस्ड ऑन योर जो भी आपका उनके साथ पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। आप हो सकता है ये सबसे ज्यादा बिजनेस एंड सेल्स में साथ में अगर आप अगर घर में भी डील करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप अगर लोगों की केयर करते हैं, ट्रस्ट है आप पे लोगों में, ठीक है, तो बहुत कंफर्टेबली अगर आप लोगों से कुछ भी मांगेंगे या कुछ भी कहते हैं तो लोग आपको सुनते हैं और आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से खासकर जैसे इंश्योरेंसेस की बात करें, लोन की बात करें, तो वो एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन होता है जहाँ पे आप लोगों से जुड़ते हैं और वहां पे आपका मोटिव जो है वो सेल करना नहीं होता, लोगों को अवेयर करना होता है और ये अश्योर कराना होता है कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव व्हाट, यू विल बी देयर टू हेल्प देम। और यही चीजें हैं जो स्लोली ग्रो करते हैं एक प्लांट में। लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, आपसे जुड़ना शुरू करते हैं और आगे बढ़ के वो प्लांट ग्रो करते हैं। आप अकेले चलते हैं जब सीडिंग करते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट ग्रो करते हैं आपके साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं और आपको फिर कॉन्टिन्यूसली वो फ्रूट मिलता है जो आपने कहीं इमेजिन किया होगा, जो आपने अपना गोल एक क्रिएट किया होगा, क्योंकि वहां पे आपने एक लोगों के साथ एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। आप अगर देखें, अगर आप सेल्स में हैं तो आपने देखा होगा कि लोग कई बार जैसे आप जाते हैं तो बिना ज्यादा डिटेल में पता किए कि आप कोई प्रोडक्ट बता रहे हैं या कोई सर्विसेज बता रहे हैं तो ठीक ही बता रहे होंगे, आप वो आपसे खरीद लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि आप अगर जाके कुछ सेल कर रहे हैं तो वो आप पे ब्लाइंड फेथ करते हैं और डील डन हो जाती है। ऐसे ही जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ही अपना वो एक बहुत बड़ा ब्रांड नहीं होता है, वो बनाते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड, और सबसे पहला उसका फेस होता है सेल्स पर्सन। अब एक कंपनी और उसका स्टाफ, अब कोई कस्टमर जब फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसको जब खरीदने जाता है तो उसका एक्सपीरियंस उन सेल्स पर्सन के साथ, उस स्टाफ के साथ कैसा रहा, वो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सर्विसेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब जब कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग टर्म तक चलता है तो वो बनाता है आपको एक सक्सेसफुल ब्रांड। तो सीडिंग, अगर आप सीडिंग में पावर इतना है कि अगर आप उसको रेगिस्तान में भी, मतलब ऐसे एरिया में जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज सस्टेन कर ही नहीं सकते, यहाँ पे डिमांड ही नहीं है, वहां पे भी आप डिमांड क्रिएट करके अपना जो है एक मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पे अगर जब आप हंटिंग करते हैं, जो गार्डन भी होता है, आप उसको रेगिस्तान बना सकते हैं। मींस लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे और आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ द ब्रांडिंग मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, और दिस इज हाउ दीज आर कनेक्टेड विद इमोशंस। ये सब इमोशंस का ही खेल है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाए होंगे और आप अपनी लाइफ में इसको यूज कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।